सिंधवासिन के गुल कटोर पारा सिक भरे सलाम। दोस्तों जैसे अं मुझे कटोर गुल चैनल सब्सक्राइब ना किया तो अजी कर वो ए घिनड़ी वाले बटन के दबाने भी नारिंदा जी मेल मुलाकात जो मेलो मतल रहे। दोस्तों वक्त पा खैरपुर मीरनवारी में आयो। इन सफर की शुरुआत पा मीराली बाजार के मोड़ वट कई अथ। मू 1976 में सुपर स्टेंस कॉलेज खैरपुर में दाखिला वरती हुई तो ये सफा खाली इलाको होंद हो। शहर की थोड़ी घनी शुरुआत उन पंजटी वटा थी हुई असि पंजटी का बसन से सवार थी कॉलेज पहुंचा हुआसीं। कॉलेज सामू भुरगड़न जो रस्तो निकरंदो हो जैसे बिन्ही पास अंबन खजन जहा बाग हूँ उन बागन के किनारन से गुलाब या गुल रंग खुशबू विखेरींदा हुआ। कॉलेज से लगोलग गौशाला की पुरानी इमारत हुई जैमें गऊँ वाड़ी वेंदी हुई। उन परियां वन डी बिल्डिंग जुड़ियल हुई जैमें सरकारी दफ्तर हूँ हुआ जो नालो हाँ बदलाए बेगम नुसरत भुट्टो सेक्रेटरी रखी वो है। मीरली बाजार के भरसा खान मोहन चालपुर की हवेली जुड़ियल उन हवेलियों के आसपास वाला समूरा इलाका खाली हूँ हुआ जिते घाटे छाव डींदड़ टाली वण हूँ हुआ। उते ही किथे एक अदद इमाम बारगाह हूँ जो चहच सावन वणन गुलन बूटन से भरल नजर इंदो। कॉलेज के पे पास का डॉक्टर गुलाम कादिर शेख के मुख्तलिफ वणन टिणन गुलन बूटन से चहच बाग अज भी सलामत है ए बिल्डर्स की अखियन में सूए वह खुटके तो। काश मोट पैसो हो जाए तो मैं उन बाग के खरीदे उनके सोनो बनाए आम पब्लिक लाइ रखी छदा। जैसे गाल बाग बागीचन की हलंदी तो बिलाउड भुट्टो जरदारी पार्क खैरपुर जो जिक्र न करण काफराना अमल हों। बेगम नुसरत भुट्टो सेक्रेटरी से लगी यो बाग मन मोहिंदड़ है। यो कुछ अरसों अग तीन खाली प्लाट हों उन अध से पंजे दौरे की हुकूमत में सादबाज जरिए पीरगोठी पीरन के वाठन कब्जो कर रखे हो जो बौद्ध में खान छड़ाया हो। मुख्य पीपल्स पार्टी तिर के हुक्मरानी से 101 एतराज आन पर हि पार्क संदन शहरवासन ला एक खूबसूरत तोहफो है जैसे मैं खेन जस दिन का पान रोके नो सकें। चवन था तो बिलाउड भुट्टो जरदारी पार्क जैसे डिजाइनिंग तरह के शालत यूनिवर्सिटी के बाटनी के शोबे के आलम प्रोफेसर डॉक्टर रजा भट्टी साहब जी कई हुई। यो साजो डॉक्टर रजा भट्टी साहब है जैसे शेख याद यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रखे वो जैसे खेस कूचड़न हुक्मरान के हाउस में मटियों भरण का इशारा मिलया तो भट्टी साहब कुर्सी के लत हणी वे आबरू से इस्तीफा खेन मुहाड़े उमाड़े छड़ी हुई। जाहिल सियासतदान जी भेंग कई है उनकी एक डिघी तारीख लिखनी पवी।